15 વર્ષથી સાયટિકાની પ્રોબ્લેમ હોય અને એમાં અલગ અલગ ઘણા બધા ડૉક્ટર બદલ્યા હોય અને દુખાવો શાંત ન થયો હોય અને આપણી આયુર્વેદનું ચમત્કાર તમે જોઈ શકો છો, માત્ર 14 દિવસની દવામાં પેશન્ટને 100-100% સારું લાગતું હોય, કોઈ દુખાવાની ગોળી ન લેવી પડતી હોય એવા પેશન્ટ મારી સાથે છે. નમસ્તે સબનમજી. નમસ્તે સર. સબનમજી, બતાએ કે આપકો ક્યા શિકાયતથી ક્યા પ્રોબ્લેમ થા? સર, મુજે પેરોમાં બહુ જ્યાદા દર્દ રહેતા થા, ફિર દિખાયા ઉસ સમય હમ બંગાલ મેં થે. કિતને સાલ સે આપકો યે પ્રોબ્લેમ? યે સર 2010 કી બાત હે. પૂરે કમર સે લેકે નીચે તક પેન હોતા થા? હાં જી, બરાબર. ઓર એસા હોતા થા, પેન કે દિન રાત લગાતાર રહેતા થા. મતલબ આરામ મિલતા હી નહીં થા બિલકુલ, હર સમય બહુત જ્યાદા પેન થા, ખડે ઉઠને સોને સબ જગહ સમય. જી સર, ઠીક હે. ઓર ઉસમે ક્યા બતાયા થા આપને, કિતને ડોક્ટર કો દિખાયા થા? વહાં પે હમને મતલબ જૈસે પૂછે, ક્યોંકિ હમ વહાં કે રહેને વાલે નહીં થે. હાં, तो एक एजिड से डॉक्टर थे, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत था, अच्छे थे डॉक्टर. तो हम उनके पास गए, किसी ने हमें रेफरेंस में दिया कि उनके पास जाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर हैं. तो उनसे हमें आराम लगा था, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया था कि ये आपका सही होने वाला वैसे नहीं है. कि मतलब जैसे मुड़ने के लिए मना कर दिया, बैठने के लिए मना कर दिया, ये सारी चीज़ें. फिर हम लोग वहाँ से मेरठ आ गए थे, तो फिर वहाँ पर भी दिखाया जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ी, लेकिन एक दवाई चलती रही और थोड़ा वैसे आराम मिलता रहा, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं हुए. तो ये शिकायत आपको कितने साल से हुई और कितने डॉक्टर आपने तकरीबन चेंज किए होंगे? सर, मुझे ये 2010 से है, यानी 15 साल से है. हाँ जी. और कितने डॉक्टर्स को दिखाया होगा तकरीबन? 5-6 डॉक्टर तो हमने इस बीच में. ठीक है. तो ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या करते थे, रिपोर्ट्स करवा के सिर्फ पेन किलर देते थे क्या करते? हाँ जी, MRI कराना एक तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है. अभी आपके पास से आने से पहले उनके पास गए थे, तो उन्होंने भी पहले एक्सरे, फिर MRI और फिर वही बताया था कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा. उन्होंने ऑपरेशन का बोला था, ऑपरेशन करना पड़ेगा. उन्होंने क्या डायग्नोसिस किया था? प्रॉब्लम तो वही थी कमर में जो, हाँ जी, गैप आया हुआ है कि इसकी वजह से नस दब रही है, नस दब रही और है. वो आपको ऑपरेशन के करना पड़ेगा. ठीक है. तो ठीक है, आपने ऑपरेशन नहीं करवाया, तो आपको आयुर्वेद में यहाँ पे आने का पता कैसे चला हमारा? मेरी एक पड़ोसी है, उनका नाम सृष्टि शर्मा है, उन्होंने मुझे बताया था कि आप यहाँ पे जाके देखो. ठीक है. तो फिर आपने जैसे ही हमारी मेडिसिन शुरू की, ठीक है. हाँ जी. तो आपको 14 डेज में कितना फायदा हो गया? सर, मैं तो 100% सही हूँ अभी, दर्द तो इतना कम हो गया. हाँ, पहले कितना दर्द होता जब आई थी, तब आपको कितना दर्द था? कुछ काम नहीं कर पा रही थी और बस हायतोबा जैसा था कि मर गई, बहुत ज्यादा दर्द है मुझे, मतलब ना खड़ा रहे ना काम काज कर पाना. हाँ, तो बस भगवान जी मुझे ले जाए, वो ज्यादा. अच्छा, इतना ज्यादा दर्द हो गया था? दर्द इतना ज्यादा था. रात को सोना भी नहीं बनता था? नहीं सर, ना रात को ना दिन में, मतलब कुछ भी नहीं बन रहा था, बस दर्द दर्द बहुत ज्यादा दर्द था सर. मैं परेशान हो गई थी. पेन किलर लेती थी तो भी फायदा नहीं लगता था? पेन किलर भी कम फायदा दे रहा था, एक साथ ऐसा नहीं हो रहा था कि पूरा खत्म हो जाए. इतना ज्यादा फायदा, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था मुझे. तो फिर आपको कभी ऐसा लगा था कि आयुर्वेद से इतना जल्दी फायदा हो जाएगा? नहीं सर, कभी सोचा था ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा. हां, लेकिन मैं अंग्रेजी दवाइयों से थोड़ा परेशान सी हो गई थी, मगर नहीं, अंग्रेजी तो मुझे नहीं खाना है. अब मुझे कहीं ऐसे ले चलो, पता नहीं, जब से गुड़िया ने बताया था, गुड़िया नाम है उनका, बोलता नाम सृष्टि का, तब से मुझे लग रहा था बस मुझे आपके पास ही आना है. तो फिर आपने जब ये 14 दिन की दवा की, और अभी बीच में आपकी शायद 5-7 दिन दवा भी बंद रही होगी, तो बीच में कभी भी तकलीफ इतना हुआ? नहीं सर, अब नहीं हुआ. देखो कितना कितना आयुर्वेद का जो है, हाँ जी, बहुत ज्यादा बेनिफिट है जो. और मैं तो ये कहती हूँ सर, आयुर्वेद ही खानी चाहिए लोगों को दवाई. मैं अपनी बिटिया को भी इसीलिए लेके आई हूँ. बिटिया मेरी परसों ही आई है, मगर चलो सबसे पहले हम, ताकि तुम्हारी 14-15 दिन की दवाई वो पहले हो जाए, जो भी रिजल्ट निकलेगा वो. सही बात है जी सर. आपके माध्यम से सबनम जी, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, लोगों ने ये कही कि आयुर्वेद सर्वर आपने, हूँ मानता हूँ कि बहुत लेट असर कर से, धीमी असर कर से, दुखाओ जल्दी नहीं मिटा रहे. धीमी जरूर करती है सर, लेकिन परमानेंट जैसा करती है. લોકો એવું વિચારે કે એ જલ્દી ફાયદો નહીં કરે, પણ તમે જોઈ શકો છો 15 વર્ષનો રોગ છે, આટલો બધો દુખાવો હતો, દુખાવાની ગોળીથી પણ જે ઠીક નહોતો થતો, એ માત્ર ને માત્ર આપણી 14 દિવસની સારવાર થઈ, આટલું બધું સારું છે. આપણે એવું ન કહી શકીએ કે કદાચ એમને 100-100% મટી ગયું અત્યારે 14 દિવસમાં, પણ એવું ચોક્કસ કહી શકીએ કે દુખાવો 100-100% મટી ગયો છે ને રાહત થવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે આનાથી, જેમ કે જે પેન કિલર નથી મટાડી શકતો, આપણી આયુર્વેદની સારવાર એટલું ઝડપથી મટાડી શકે છે. એટલે એ વહેમ લોકોએ મગજમાં ન રાખો કે આયુર્વેદ સારવાર જે છે એ ઝડપથી કામ નહીં કરે. અચ્છા, આપકો વૈસે ગરમી કી શિકાયત રહેતી, જૈસે કોઈ દૂસરી એલોપેથી દવા, પેન કિલર વગેરે ગરમ કરતી થી કભી શરીર મેં? હા સર.
असर वो तो रहता था, और वो ऐसे भी जब हम वो वाली दवाई लेते हैं एलोपैथिक तो केवल 24 घंटे के लिए काम करती हैं, उसके बाद फिर से पेन शुरू हो जाता था। मैंने तो हाँ जी, मैं तो कम से कम 15-20 दिन में खाई हूँ दवाई, है ना, रोजाना की दवाइयों में वो था, और 24 घंटे बाद फिर से शुरू हो जाता था। और हमारी में ऐसा कभी नहीं हुआ, और हमारी दवा बंद हुई इसको भी। मैं वही तो बता रही हूँ सर, मेरा जो बताने का वो है कि मतलब मैं अब तक भी सही हूँ, दवाई तो मेरी 8-10 दिन पहले बंद हो गई है, 14 तारीख को कंप्लीट हो गई थी। वही बात मुझे बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद जो है रूट कॉज को क्योर करता है। आयुर्वेद ये मानता है कि वात का व्याधि है और वायु दोष को कम करने से इसमें फर्क पड़ता है। खास करीने जे छे मारी घणाने विनंती छे कि जो तमने कोई पण सारवार गरम पड़ती होय, तमे आयुर्वेद सारवार लो छो, कोई पण जगह कोई डॉक्टर पासे लो छो, कोई मेडिकल स्टोर माथी लो छो, तमे जाते बनावीने कोई आयुर्वेदिक दवा खाओ छो, पण जो तमने गरम पड़ती हो तो तात्कालिक दवा बंद करो, एनाथी तमने नुकसान थशे। आयुर्वेद सारवार तमारी प्रकृति पण निदान नथी थयुं तो ज तमने गरम पड़े छे। ने आपणे अहींया जे लोकोने आयुर्वेद सारवार गरम पड़ती ने ए लोको आपणो संपर्क करी शके छे, ऑनलाइन के ऑफलाइन आपणे बने ते ट्रीटमेंट करीए छीए। आपणी दवा कोई रीते गरम नहीं पड़ती ने हमेशा रूट कोस थी फायदो करे छे। शबनम जी, आपका एक्सपीरियंस हमारे हॉस्पिटल के बारे में क्या रहा, आप क्या बताना चाहोगी? सर मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा कि मैं उसी के अपने लाभ के साथ साथ बिटिया को भी इसीलिए लेके आई हूँ कि उसको भी जो है आराम लगेगा 100%। नहीं नहीं, हो ये मेरा विश्वास है अपना। देखिए आयुर्वेद में जो है अगर आपका डायग्नोसिस ठीक होता है हाँ जी, तो उससे 100% क्योर होता ही है। हाँ, लेकिन डायग्नोसिस परफेक्ट होना चाहिए ताकि वो रूट को काम करे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी, नमस्ते। नमस्ते सर।